आज तो मैं डंका खा लेती, आज तो बड़ी अच्छी दिहाड़ी लगी है तेरी। मुझे यही अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है ये तुझे ना अपनी भाई की फरमाइशों को पूरी करने के बाद ना कुछ बचता बचता नहीं है ना खाने को ना ओढ़ने को। अकरम भाई तुम कितनी बार कहा है तुझे भाई भाई ना कर, मुझे भाई भाई नहीं हूँ तेरा। पर मैं तुम्हें अपने बड़े भाई और अपने बाप की जगह ही समझती हूँ। ना समझा कर भाई, मैं नहीं समझता बहन। वो कहाँ? मेरा हाथ छोड़ो। ना मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो अकरम भाई। नहीं मैं फिर भाई कह रही है, तो समझ नहीं आती भाई भाई नहीं हुए तेरा। अच्छा छोड़ दिया मगर बात सुन, आइंदा के बाद तुझे अपनी मार्केट में धंधा करने दिया ना, मेरा नाम भी अकरम नहीं है अकरम। और रानी मैंने भी तुझे अपनी रानी ना बनाया ना, मेरा भी नाम अकरम नहीं है, देख लूंगा। मेरा नहीं पूरी जमीन का यही हाल है, भिन्ते हवा जहां भर में ही बेहाल है। यहां धंधे से मुराद परिंदे आजाद करने के एवज पैसे कमाने का पेशा है, जो अक्सर बाजारों सड़कों पर हमें जवान बूढ़े बच्चे करते हुए दिखाई देते हैं। चंद रुपयों के हसूल की खातिर उन्हें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनसे कैसे कैसे तकाजे किए जाते हैं, इसकी एक छोटी सी महज झलक आपने देखी। पूरा मंजर काफी तड़पा देने वाला है, लेकिन उससे पहले आइए चलकर देखते हैं कि आखिर वो क्या हालात थे जिनकी वजह से मासूम रानी इस दुराहे पर आ खड़ी हुई, जहां एक तरफ उससे इज्जत और दूसरी तरफ रोटी का सवाल पैदा हुआ। बस यही है हमारा सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर मुआजरा है क्या। रानी रानी हाँ क्या हुआ भाई? अच्छा मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या कर रही है? भैया के लिए नाश्ता निकाल रही थी। छोड़ छोड़ इसे, जितना खिलाना था ना खिला लिया, अब तुम दोनों बहन भाई अपना इंतजाम कर लो। चाची हाँ तो क्या, सारी जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? जब से माँ बाप मरे तब से खिला ही रहे ना तुम लोगों को, मगर तुम दोनों बहन भाइयों की भूख नहीं मरती। अब इस जहन्नम को पाले अपना पेट भरे हम लोग। क्या हो गया भाई, क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? चाचा चाची नाश्ता नहीं। हाँ इसे मैंने ही मना किया था। तो हम कहाँ से खाएंगे? वो हमारा मसला नहीं है, जाके चोरियाँ करो या डाके डालो हमें नहीं मालूम। बात सुन भाई, तुझे जो कमरा दिया ना रहने के लिए उसे गनीमत समझ। माँ बाप मर गए, मुसीबत हमारे गले डाल के चले गए, ये भी ले लो माँ। अरे मेरा बच्चा तूने पूरा क्यों नहीं खाया? बस और भूख नहीं है। अच्छा चल एक काम कर, ये पैसे ले जा और वहाँ हाफ टाइम में ना कुछ लेके खा लेना, खाएगा नहीं ना तो इतना ही रह जाएगा। अरे यही तो उम्र है बढ़ने की। चले अब्बा। हाँ चल भाई, मुझे भी दुकान के लिए देर हो, आ जा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, जाके कोई काम कर ले निकम्मी कहीं की। सफेद खून की रंगत ने जोश मारा है, मेरे खिलाफ खड़ा खुद मेरा सहारा है। चचा चची का रवैया महज भाई भाभी की मौत के अगले ही दिन से बदलने लगा था। रानी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि हादसे के महज 7 दिन बाद ही चचा चची उनकी किफालत से भी हाथ खींच लेंगे। एहसान के तौर पर जो कमरा उनको रहने के लिए दिया गया था, ना सिर्फ वो कमरा बल्कि पूरे का पूरा घर मासूम रानी और भैया के बाप की कमाई का था। मखलूक खुदा ने तो इनकार कर दिया था खिलाने से, लेकिन अब देखना यह था रिज़्क़ का वादा करने वाली खुदा की जात अपना वादा कैसे निभाएगी।
रानी नाश्ता का। वो अभी चाची ने हमारा नाश्ता बनाया नहीं, थोड़ी देर में मुझे वो नाश्ता। हाँ पर थोड़ा सबर तो करो ना, मुझे अभी ना बोलू। अच्छा अच्छा लाओ मैं तुम्हारी कंघी कर दूँ, तब तक चाची भी कुछ ना कुछ ले आएंगी। नहीं पहले नाश्ता। भैया अच्छा मैं लेकर आती हूँ। रानी चुची ये क्या छुपा रही है तू? तो, कुछ नहीं। क्या छुपा रही है दिखा दिखा दे, दिखा मुझे। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी? पर चाची ये तो बचा हुआ था। बची भी तो मैं भी हूँ, तो क्या मुझे भी खा जाएगी? बस भैया के लिए मैं भूखी रह लूंगी। हाँ तो मेरे सर पे बहुत एहसान करेगी भूखी रह के। नहीं चाची मैं तो देख मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद मेरे किचन में कदम रखा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? पानी से बहती जा। आप बन के रह गए दोनों बहन भाई मेरे लिए, कब जाएंगे यहाँ से? पानी से बहती जा नैनों से नीर बहाए। जाओ जाके कोई काम कर लो। रिश्तों के टूटे बांध फिर भी ना प्यास बुझाए, पानी से बहती जाए, पानी से बहती जाए। जो है मेरा भाया बोनी का टाइम, इसलिए मैं जो है ना तेरे भैंस नहीं करूंगा। जे तू लेना है ना 200 रुपए का पीस दाना दूंगा फाइनल, लेना है तो ले वरना निकल टाइम दे कर दूध आने दे। चल यार दे दे, तू भी जिद्दी है बड़ा। ये ले बड़ा चौखो माले, दुआएं देगा साहब। एक चिड़िया 200 रुपए की है। हाँ तू लेनी है? नहीं पर मुझसे तो दुकान वाले ने 100 रुपए की ली। ओए और जो दुकान वाले हैं ना ये तो थारो मारो हक लूटने बैठे हैं, और तूने दूसरी बार तो बेचनी हो ना मेरे पास यहाँ आके बेची हो, 200 रुपए की निकलेगी। ठीक है भैया, अब तक नाश्ते का इंतजार कर रहा होगा। चुड़िया ले लो चुड़िया, तोते ले लो तोते, बजरी तोते, ऑस्ट्रेलियन तोते, वो चुड़िया ले लो चुड़िया। भाई चाय पराठा है? चाय पराठा तो सुबह होता है, अभी तो रोटी है, साथ में कोरमा है, बिरयानी है, अंडा छोला, अंडा चना, दाल फ्राई, मांस। भाई सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ती तो सब्जी है। कितने की? 50 रुपए प्लेट। एक प्लेट सब्जी और दो रोटी दे दो। एक प्लेट सब्जी दो रोटी लगाओ भाई, जरा जल्दी जल्दी लगाओ।
आ रही हूँ। भैया भैया उठो। उठो भैया। तो कहाँ चले गई थी? मैं अपने भैया के लिए खाना लेने गई थी। ये देखो तू तो, दे पेट दर्द भूख है। जानती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लो खाओ। खा। कौन है? बोलो भाई। आ रही हूँ। ये लो भाई, आज मैं तुम्हारे लिए कोरमा लाया। हाय, आज तो मेरा इतना दिल चाह रहा था कोरमा खाने का, लगता है जीत के आया है। हाँ, वो 5,000 का आंकड़ा लगा था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कोरमा ले चलूं। अच्छा, तुम जल्दी से प्लेट में निकाल के लाओ, बहुत जोर से भूख। ठीक है, अभी लाए। नहीं नहीं भैया, वो तेज मसाले बीमार कर देते। मैं तुझे पार्टी करूंगा। अच्छा अच्छा, ले आऊंगी। खुश इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेता है। उसे सहरा से उठाकर अगर बर्फ के ग्लेशियर में बिठा दिया जाए या फिर रोशनी से निकालकर अंधेरों में, सर्दी में उसका जिस्म और आंखें घुप अंधेरे में जीना सीख ही लेती हैं। ठीक उसी तरह रानी ने भी धीरे धीरे जीना सीख लिया था। उसकी 2 दिन की कमाई भैया की फरमाइशों में 1 ही दिन में खत्म हो गई, लेकिन रानी अच्छी तरह से जानती थी कि अब उसे करना क्या है। चिड़िया ले लो, चिड़िया चिड़िया ले लो, चिड़िया ले लो, चिड़िया निकाल भाई, चिड़िया ले लो, निकाल निकाल, ज़्यादा देर ना किया करो यार, मच मच ना किया करो। चिड़िया ले लो, चिड़िया, चिड़िया ले लो, चिड़िया ले लो। नहीं आई है? हाँ, चल निकाल। क्या? यहाँ धंधा करने का रोकड़ा, निकाल। रुकड़ा? वो तो मेरे पास नहीं है। नहीं है तो यहाँ क्या कर रही है? चलो यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, चल। क्या क्या कहूँ भाई, आगे बैठ गई है धंधा करने, पैसे इसके पास है नहीं। मैं देता हूँ ना। ठीक है, लो हो रहा है 50, इसका 50 मेरा। अगली बार समझा दे इसको, यहाँ धंधा करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये। तू भी समझ ले, इसको भी समझा दे। समझा दूंगा गुप्पू भाई, ये बाप जन फिर बाप का है। ये यहाँ का गुंडा था क्या? गुंडे का दो ना है, गुंडे का दो चला गया, तो अरे मक्कल का, मक्कल का मक्कल, वो क्या होता है?
मक्कल जो है ना, मक्कल हर चीज की दवा है, हर ताले की चाबी है। और एक 50 का नोट उसके हाथ में देगी ना तो सदर तो क्या, सदर पाकिस्तान की गड़ी में भी धंधा करेगी ना, कोई रोक ना सके, कोई पुलिस वाला कोई बदमाश ना आएगा, उनका हिस्सा उनको मिल चुका होता है, समझी? और चल तो छोड़, बड़ा लंबा चक्कर है, खुद ही समझ जाएगी, साथ रह ले मेरे साथ। चल अच्छा काम करते हैं, बारिश खड़ी रही है, चिड़िया ना बच्ची हा? चिड़िया ले लो, चिड़िया चिड़िया ले लो, चिड़िया तोता ले लो, तोता बजरी वाला तोता, चिड़िया ले लो, तोता ले लो, तोता। चल मेरे साथ बैट बॉल खेल। दे, मैंने नहीं खेलना। आ ना। नहीं। चल तू पहले बैटिंग कर लेना। नहीं। अम्मी देखो ना, ये मेरे साथ बैट बॉल भी खेल रहा है। अबे ये अपाहिज क्या खेलेगा तेरे साथ, ला बॉल मुझे दे, मेरे साथ खेल। आओ भैया हम अंदर चलते हैं। हाँ ले जाए सब बाइज को यहाँ से। ये तुम्हारी भतीजी ना कुछ ज्यादा ही मुकाबले पर आ गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुम हमारे लिए लेकर आते हो ना, दूसरे दिन वो भी वही ले आती है। कल तुम हमारे लिए बिरयानी लेकर आए, आज मैंने उसके हाथ में भी बिरयानी देखी। कर ले ले तो शौक पूरा, सिर्फ चार चिड़िया रह गई हैं, उसके बाद सूखी रोटी को भी तरसेगी। क्या खाएगी? नहीं ये पेट खराब है ना इसलिए। गंदी आई है, मैंने नहीं खानी। भैया होटल से लानी। तू का? भैया नहीं। भैया ये बात तो ठीक नहीं है ना, उस दिन जिद करके कोरमा मंगवाया वो नहीं खाया, फिर हलवा पूरी मंगवाई वो भी मुझे खिलाई, और अब ये बिरयानी। चक्की तो देखो बहुत मजे की है। नहीं। अच्छा तो कुछ और बताओ, मैं वो ले आती हूँ। भैया मैं बात नहीं करूंगा। एक तुम्हारी बातें ही तो मेरे जीने का सहारा है मेरे भाई। तो कहा ना? क्या खा रही हो? बिरयानी है, मुझे भी दो। नहीं नोमी ये भैया के लिए। देना। नोमी नहीं। अम्मी देखो ये मुझे बिरयानी नहीं दे रही। आए है क्या हो गया? दे देना मासूम को थोड़ी सी, क्यों तरस आ रही है? मुझे थोड़ी नहीं पूरी चाहिए। हाँ हाँ बेटा दे देती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? दे देना इसको, शाम में तेरे चच्चा आएंगे ना तो मंगवा दूंगी, ज्यादा मर मत। अब घूर क्या रही है? ला देना, मरने लग गई जरा सी बिरयानी पे। आ जाओ।
दादी दादी। अच्छा मैं कह रहा था कि कल आंकड़े की बुकिंग का आखिरी दिन है, अगर तुम्हारे पास एक 500 रुपए हो तो दे दो, मैं कम से कम नंबर ही खेलाऊं जाके। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं और वो भी मैंने घर के खर्च के लिए रखे हुए हैं, मैं उसमें से एक ढेला नहीं देने वाली तुम्हें। 300 रुपए से क्या होगा? क्या? अब कुछ नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो कि वो 300 रुपए मुझे दे दो, कुरानदाज होगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और अगर नंबर ना लगा तो? ना लगा तो दुकान नहीं है मेरी क्या? दुकान? आज तक दुकान से 1 रुपया तो कमाया नहीं। ये एसी, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि ये पलंग जिसपे हम सोते हैं, ये सब जुए की कमाई का है। अच्छा बस बस, पैसे दो मुझे तुम 300 रुपए। ऐसा ना हो कि सुबह तुम फिर उन पैसों का कोई काम निकाल लो। ये पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो नौमी के अब्बा, अगर ये पैसे मुझे वापस ना किए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ दे दूंगा ना। जाओ चाय ले। मैं तो 500 के चक्कर में आया था, यहाँ तो पूरे 1000 ही मिल गए। इस बार फोरकास्ट की भैया, भैया उठकर मुंह धो लो, तब तक मैं नाश्ता लाती हूँ। ऐसे कहाँ गए? कुछ नहीं, मैं अभी आई। रानी, रानी, चची, वो मैंने वहां कुछ पैसे रखे थे तो अब नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने चुराए तुम्हारे पैसे? नहीं चाची, मैं तो नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है कि तुम्हारे पैसे मैंने चुराए? क्या मैं चोर नजर आती हूँ तुम्हें? चचा मैंने तो बस पूछा। अरे वहाँ नहीं है ना, तो जाके अपने उस पागल भाई से पूछ, उसने इधर उधर किए होंगे। क्या हुआ रानी? भैया वहाँ कुछ पैसे रखे थे, तुमने लिए हैं? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं बस ऐसे ही। वाह भाई वाह, भाई से पूछा तो बस ऐसे ही। एक तो यहाँ रहने का आसरा दो, ऊपर से इनके इल्जाम सहो। चाचा तुम नाश्ता तो करो, करता हूँ मैं इनका बंदोबस्त। कुछ इनका बंदोबस्त करके ना इनको यहाँ से चलता करो। अच्छा तुम नाश्ता तो करो, करता हूँ ना कुछ। नाश्ता नहीं मिलेगा। भूख है। मैं अभी लाती हूँ। पानी सी बहती जा, नैनों से नीर बहाए, पानी सी बहती जा, नैनों से नीर बहाए।
किस्तों के टूटे बांध फिर भी ना प्यास बुझाए पानी सी बहती जाए पानी सी बहती जाए ये एक इत्तफाक ही था कि जैसे ही रानी मज़ार पर पहुंची लंगर तकसीम हो रहा था। लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होता, कभी तो दिन की 50 देगें बट रही ही होती हैं और कभी कभार सारा दिन लाइन में खड़े रहने के बावजूद बारी नहीं आती। लेकिन जीना तो था और ज़िंदगी का बोझ भी ढोना था, जिसके लिए रानी बाखूबी तैयार थी। लेकिन तशवीश की बात यह थी कि जेब की तरह उसके बाप की पाली हुई चिड़ियों का पिंजरा भी अब खाली होने को था। तुम मेरी रानी, मैं तेरा राजा, तुम मेरे मन की मैं ना होती, मैं तेरे मन का तोता। तोते ले लो तोते। चिड़िया ले लो चिड़िया। क्या ये चिड़िया भी बिकती है? कौन सी? वो हाँ बिकती है। कैसे? खुद ही देख ले। पर उसने तो सब उड़ा दी। हाँ तो उड़ाने की तो पैसे दिए होंगे। ये चिड़िया आजाद करा के ना अपनी परेशानियों से आजादी चाहता है। क्या चिड़िया आजाद कराने वाले बहुत आते हैं? बहुत आते हैं कसम से। मगर ये इन्हें पकड़ते कैसे होंगे? इन्हें गुनाह भी तो मिलता होगा। क्यों गुनाह मिलता होगा? मछली वाला भी तो मछली पकड़ के मछली बेचता है, उसको गुनाह मिलता है। ये तो आजादी बेचता है, इसको कैसे गुनाह मिलेगा? क्या तुम मुझे चिड़िया को पकड़ने का तरीका सिखा दोगे? क्यों नहीं सिखाऊंगा। बहुत दिन हो गए तुमने कोई फरमाइश नहीं की, तो आज मैं खुद अपने भैया के लिए बिरयानी ले। कहाँ? अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तो भी आ जाएगी। चलो खाओ। एक गंदी है। बोलो भैया। मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। तुम ये सब इसलिए करते हो ना ताकि मैं ये मजे मजे के खाने खा सकूं? मेरी कसम। कौन कहता है तुमने अकल नहीं? तुम तो सारी दुनिया से अकलमंद हो भैया। मुझे मेरे 300 रुपए वापस करो। मैं तो राम कुरानदाजी होगी दे दूंगा। तुम्हारी कुरानदाजी कहीं धाड़। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। मम्मी की किताब लेनी है मुझे, सुबह उसका पेपर है। भैया वो चले गए। खाओ। सच कह रहे हो तुम? हाँ फोरकास्ट खेली थी, पूरे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे।
मगर तुम्हारे पास 1000 रुपए कहाँ से आए? अरे वो तुम रहने दो ना, तुम बस आम खाओ आम। अच्छा मैं भी चल रही तुम्हारे साथ पैसे लेने। पागल हो गई हो क्या? तुम बस तैयारी रखना, आज हम टैक्सी पे जाएंगे और किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे, ठीक है? अच्छा दरवाजा बंद कर लो, मैं चलता हूँ। इतनी दूर दूर क्यों चल रही है? खा थोड़ी जाऊंगा तुझे। अच्छा चल ये बता, क्यों मैडम ने तुझे पैसे कितने दिए चिड़ियों के? 1000 रुपए। वाह ये तो कमाल की बात हो गई, वो 20 रुपए की चिड़ियों के 1000 दे दिए। अच्छा चल छोड़ नाराज की होती, बात तो सुन, रुक तो जा। अच्छा चल ये यही मिल जाते हैं, यहाँ हवा भी है और छांव भी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं, आइए एक बार फिर से देखें। अक्रम भाई तो अब मुझे इस मार्केट में धंधा नहीं करने देगा, मोक्कल भी इसका आदमी है, आखिर कैसे गुजारा होगा? क्या मुझे काम के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी? अल्लाह मियाँ, आपने हमें यतीम क्यों किया? मेरी अम्मी अब्बू हमें लौटा दें अल्लाह मियाँ, मेरे अम्मी अब्बू हमें लौटा दें। रुको। बेटा वो मेरा 1.5 लाख रुपया लेके। चाचा क्या हुआ आपको? चाचा कोई है, कोई मदद करो। चाचा कोई है, कोई मदद करो, कोई मदद करो। आपको मुकम्मल आराम करना है, डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठना। हम तो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवा सकते, चूहे का पैसा था उल्टा हम इधर लिए जाएंगे। मैंने कहा ना अभी सारी फिक्रें भूल के सिर्फ आराम करें। कैसे भूल जाऊं, 1000 झमेले, दुकान का किराया, घर के अखराजात, कैसे होगा ये सब? आप उसकी फिक्र मत करें चाचा, मैं सब संभाल लूंगी। मगर चाची मेरा फर्ज है, मुझे निभाने दे। अच्छा चाची मैं काम पे जा रही हूँ। नहीं बेटा तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मगर चाचा आपको आराम की जरूरत है। अरे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस घर के काम में अपनी चाची का हाथ बटाना, मैं कमा कर लूंगा और इंशाल्लाह अगले महीने 9वीं के स्कूल में तुम्हारा दाखिला भी करवा दूंगा। पर चाचा। हाँ बेटा हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम रुको मैं देती हूँ इसे खाना।
नशा, जुआ या ये हमारी खाम ख्याली ही है जिसकी वजह से मासूम रानी जैसे बच्चों के हाथों में स्कूल की किताबों की जगह परिंदों के पिंजरे थमा दिए जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना रिस्क लिखवा के ना लाया हो। बात सिर्फ एहसास जिम्मेदारी की है। तकदीर अपने रास्ते खुद ब खुद बना लेती है। जो लोग ये बात समझ लेते हैं उनके साथ कभी कभी